हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई और 24 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड ऑफ द टून्स मीडिया ग्रुप TMG फॉर 2020। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मनीक सौरकर, दूसरा है किरीत खुराना, तीसरा है राजीव चिल्का या फिर अर्नब चौधरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्नब चौधरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। NSS सेकेंड नाम का एक सैन्य संचार उपग्रह हाल ही में SpaceX द्वारा अपने फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, उपग्रह किस देश का है? तो यहां पर बताना है कि जो सैटेलाइट है वो किस देश को बिलोंग करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है इजराइल, दूसरा है US, तीसरा है साउथ कोरिया या फिर जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1512 माइन प्लफ फॉर द इंडियन आर्मी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत डायनामिक्स, तीसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और आखिरी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज किया है, इनमें से किस जगह पर? तो आपको बताना है ये जो एक्सरसाइज हुआ है ये किस जगह पर हुआ है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर पर्शियन गल्फ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओशियन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना टू डिलीवर राशन एट द डोरस्टेप ऑफ द पीपल। इसका मतलब है किस राज्य ने लोगों के दरवाजे पर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री घर घर योजना शुरू की है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। रमेश बाबू बोड्डू हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच ऑफ दीज बैंक्स। तो यहां पर उस बैंक का नाम बताना है जिसके ये MD और CEO बने हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लक्ष्मी विलास बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक या फिर करूर वैश्य बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, करूर वैश्य बैंक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-21 एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ नोमुरा। तो यहां पर आपको बताना है नोमुरा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से लेकर 21 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, -5%, -6.1%, -7.2%, -4.9%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, -6.1%। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। लालजी टंडन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द करेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो यहां पर आपको बताना है लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। साइंस एक्सप्लोरेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, यानी कि विज्ञान अन्वेषण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 या फिर 22 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द गोधन न्याय योजना टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी बाय परचेसिंग काउ डंग एट ₹2 पर kg फ्रॉम द कैटल रेयरर्स। इसका मतलब है किस राज्य ने पशुपालनकर्ताओं से ₹2 प्रति किलोग्राम पर गोबर खरीदकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोधन योजना शुरू की है।
तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी दैट मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो यहां पर आपको बताना है भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इंडिया हैज बीन रैंक्ड अमंग द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्किंग पीपल्स राइट इन द ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020। द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच बॉडी। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस या फिर इंटरपोल, थर्ड ऑप्शन इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ITUC या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन यानी ITUC। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अ बुक टाइटल्ड द एंड गेम ऑथर्ड बाय क्राइम राइटर यानी कि क्राइम लेखक द्वारा लिखित द एंड गेम नामक पुस्तक, यानी कि आपको उनका नाम बताना है जो इसके लेखक हैं, अबीर मुखर्जी, ए धन, वसीम खान या फिर एस हुसैन जैदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एस हुसैन जैदी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव यानी PS के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है P प्रवीण सिद्धार्थ, दूसरा है अजय भाड़ू, तीसरा है JG सुब्रमण्यम, आखिरी है शिवेंद्र चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, P प्रवीण सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट मीन्स CBIC का जो चेयरमैन है उसका आपको यहां पर नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, M अजीत कुमार, प्रकाश चंद्र, बरजिंदर सिंह या फिर M खेरवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, M अजीत कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारतीय वायुसेना IAF कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख CAS की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। वर्तमान CAS कौन है यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो यहां पर आपको उनका नाम बताना है, ऑप्शन ए बीरेंद्र सिंह धनोआ, दूसरा है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, तीसरा है करमबीर सिंह और आखिरी है मनोज मुकुंद नरावने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। DRDO ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए अपने स्वदेशी विकसित ड्रोन के साथ भारतीय नौसेना प्रदान की है। ड्रोन का नाम आपको यहां पर बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वरुण, पवन, ध्रुव या फिर भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की। विच कंट्री हैज इंक्ड एन MOU विद इंडिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सेंटर इन दैट कंट्री यूजिंग इंडियन ग्रांट। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालदीव्स। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।